कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने होटल लॉज सहित अन्य जगहों को गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने का निर्देश दिया है, लेकिन रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए बने रिटायरिंग रूम को अभी भी कोरोना के नाम पर बंद रखा गया है, जिस कारण लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि बोकारो रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम को बंद रखा गया है। वहीं बोकारो रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर एके हल्दर ने लोगों की परेशानियों को समझते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसे अभी बंद रखा गया है, लेकिन अगर सरकार का कोई निर्देश आता है तो इसे खोल दिया जाएगा। केंद्र सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से जहाँ की लोकल सरकार है वो इसको बताती है कि खोलना है या नहीं खोलना है। अभी तक इसकी कोई आदेश नहीं मिली हमें, क्योंकि सर होटल खुल गया, सब खुल गया, रिटायरिंग रूम खुल गया। जी आप सही बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर इस तरह का आदेश मिलेगा तो हम लोग जरूर खोल देंगे उसको। वहीं यात्री पूजा मलिक ने बताया कि बुजुर्गों को रिटायरिंग रूम की जरूरत अधिक पड़ती है, ऐसे में उनकी तकलीफ को देखते हुए इस सुविधा को बहाल किया जाना चाहिए। ऐसे अगर ज्यादा भीड़ नहीं हो तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ लोग जो दूर से आते हैं उनको अलाउ करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ऐसे फैन वगैरह भी अगर हो तो ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम है तो फिर फैन वगैरह सब ठीक चले तो ठीक है। और रिटायरिंग रूम में अगर मतलब जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं वो लोग जा सकते हैं रेस्ट करने के लिए, उनके लिए अलाव होना चाहिए था। वहीं यात्री श्रीजन कुमार ने कहा कि परेशानी तो कदम कदम पर है, ऐसे समय में ट्रेनें भी नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन अगर चल रही हैं तो हमें इन परेशानियों से दो चार जरूर होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हम लोग को परेशानी उठाना पड़ेगा, अगर वीक पॉइंट्स को देखें तो बहुत है, ट्रेन चलना भी नहीं चाहिए था, रिटायरिंग रूम नहीं है तो क्या होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।